हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज अपने क्वार्टर के लॉन से आपके सामने आज सुबह सुबह उपस्थित हुआ हूँ। और बहुत दिन से मेरे मन में एक विचार था कि लगभग लॉकडाउन से एग्ज़ाम तो नहीं हो रहे, लेकिन सिलेबस आपके ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के। तो एक चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा था जो बहुत दिन से मेरे मन में पेंडिंग थी, वो थी जीपैट। आप जानते हैं जीपैट क्या होता है? ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। तो बहुत से लोग मानते हैं कि जीपैट बहुत टफ है और कुछ रेयर लोग मानते हैं कि जीपैट बहुत आसान है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। और तैयारी करने से पहले सबसे पहले हमारे मन में एक चीज़ बैठनी बहुत ज़रूरी है कि ये कठिन है या आसान है। आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स मिलेंगे, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले मिलेंगे और बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको ढेर सारा पैकेज देंगे, 20,000 का पैकेज, 10,000 का पैकेज, तैयारी करवाएंगे, नोट्स देंगे और सारी चीज़ें करके आपसे बहुत सारे पैसे लेंगे। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। अगर आप किसी चीज़ को कठिन समझ लोगे तो आप इसके पीछे बहुत पैसे खर्च करोगे। आपके मन में लगेगा यार तो आसान है, तो फिर आप उसको खुद से कर सकते हो। तो आप खुद डिसाइड करिए कि ये आसान है या कठिन है, ये आपके डिसाइड करना है। बस आपको जो हकीकत है मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा पैटर्न की बात कर लेता हूँ कि जीपैट का पैटर्न क्या है। तो ये करीब 125 क्वेश्चन का पेपर होता है। इस 125 क्वेश्चन के एग्ज़ाम पेपर में आप सोचिए कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स है तो करीब हो गया 500 नंबर का, 500 मार्क्स के आपके पेपर हो गए। अब उस 500 मार्क्स के पेपर में जो माइनस मार्किंग है वो 1/4, यानी कि अगर आप एक सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे और गलत करते हैं तो आपको एक नंबर माइनस होगा, सिर्फ एक नंबर माइनस होगा, यानी 1/4 इसका माइनस मार्किंग रेशियो है। और आप ये मानिए कि मैं आपको थोड़ा सा डेटा और बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। 125 क्वेश्चन में यानी 500 नंबर में इसका कट ऑफ कितना जाता है? कट ऑफ अगर मैं 2013 से स्टार्ट करूँ, जिस साल मैं क्वालिफाई हुआ था तो उस साल 145 गया था, 2012 में करीब 100 के आसपास था, 2016 में तो ये 125 के आसपास था, 17, 18, 19, 20 आप चलते जाएंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर 163, मैं सारे जनरल की बात कर रहा हूँ, OBC और SC ST कट ऑफ और डाउन थी, जनरल की बात कर रहा हूँ, 163 लास्ट टाइम था सबसे जो हाईएस्ट था, उससे पहले 140, 125, 117, यानी इसके अलावा आप ये मानिए कि मैक्सिमम कट ऑफ 160 उसके ऊपर, यानी कि 140, 145 के अराउंड रहता है, 160 मैक्सिमम कट ऑफ गया था, इसके उससे ज़्यादा कट ऑफ अभी तक नहीं गया। अब आप थोड़ा सा चीज़ समझिए, एनालाइज करिए। 160 पाने का मतलब है आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन सही करने, 40 × 4 = 160, और 160 पाने का मतलब आप 100% जीपैट क्वालिफाइड हैं। अच्छा स्कोर करना है, 50, 60 आगे बढ़ते जाओ, स्कोर होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। लेकिन आप सोचिए सिर्फ 40 क्वेश्चन, यार 125 में सिर्फ 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको सही करने। अब आप बताओ आसान है कि कठिन है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप डिसाइड करो। अब दूसरी बात समझो, इतना आसान है अगर 40 क्वेश्चन करने पर क्वालिफाई होना है तो लोग होते क्यों नहीं? देखिए मेरी बात समझिए, मैं आपको एक क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूँ। 125 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप किसी साल का पेपर उठा कर देख लीजिए, आप पाएंगे कि जो 25 क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स वो इतने आसान होते हैं, अगर आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं, आप जीपैट क्या भी फार्मा भी थोड़ा बहुत एग्ज़ाम, केवल वन नाइट फाइट करके पेपर आपने नहीं दिया है, थोड़ी सी पढ़ाई आपने की है, आई एम आस्किंग ओनली थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, अगर आप फार्मेसी बस कर रहे हैं और थोड़ी सी पढ़ाई आप कर रहे हैं तो वो 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हर कोई कर सकता है, आसानी से हर कोई कर सकता है 25 क्वेश्चन जिसने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है। अब सोचो 25 क्वेश्चन, उसके बाद आप सोचिए 25 के बाद अगले 50 क्वेश्चन, 25 के बाद अगले 50 क्वेश्चन वो होते हैं जिसने पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियसली लिया। मैं नहीं कह रहा कि दिन रात जाके पढ़ रहा है, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा है, कोचिंग ज्वाइन किया है, नहीं, जो थोड़ा सा फर्स्ट आपके पूरे कॉलेज के समय में थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ता है, वो एग्ज़ाम को केवल सेशनल और सेमेस्टर पास होने के लिए नहीं पढ़ाई कर रहा है, ज्ञान के लिए पढ़ रहा है, नॉलेज के लिए पढ़ रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो अगले 50 क्वेश्चन वो कर सकता है। 75 हो गया। अब 75 के बाद बचते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, तो वो जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसको इस तरह से समझिए कि उसमें से जो 25 क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट नहीं, वो रटने के बेसिस पे आते हैं, वो रटने पे कुछ डेटा आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, जो डेटा आप ये मान लीजिए कि हर कोचिंग वाले, हर इंस्टीट्यूट वाले, हर यूट्यूब वाले आपको रटवाएंगे,
ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रट लो, ये रट लो, ये रट लो, ये रट लो, 25 क्वेश्चन वो रहेंगे। और अगले 25 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप नहीं कर सकते, आप कितना भी पढ़ लीजिए, ये निश्चित मान लीजिए कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितनी भी तैयारी कर लीजिए, उतने हार्ड होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। यानी आप ये समझिए कि 125 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपके तैयारी के ऊपर है। और मैं कहता हूँ आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, आपने कहीं कोई भी यूट्यूब के पास पैकेज ज्वाइन नहीं किया, कुछ भी ज्वाइन नहीं किया, फिर भी आपके हाथ में 25 + 50 = 75 क्वेश्चन है, जो सिर्फ आप अपने से पढ़कर, अपने कॉलेज से, अपने क्लासेस से आप सीख सकते हैं। अब देखिए गलती क्या होती है, जब कोई बंदा एग्ज़ाम देता है जीपैट का, जो तैयारी करते हैं उनकी बात अलग है, जो तैयारी नहीं कर रहे बस वो जीपैट का फॉर्म भर दिया क्योंकि फॉर्म कर रहे हैं, तो उनके 25 क्वेश्चन तो निश्चित सही होते हैं, निश्चित है, आई गारंटीड, आप किसी से पूछ लो वो 25 तो सही ही सही। उसके बाद क्या करता है कि वो क्योंकि 125 क्वेश्चन है तो उसमें बहुत से कन्फ्यूजन होते, यार ये वाला तो आ रहा है, ये तो बड़ा आसान लग रहा है, अच्छा चलो मार देते हैं, टिक आएगा तो 4 मिलेगा, नहीं आएगा तो एक ही नंबर तो माइनस होगा, ये कॉन्सेप्ट के साथ वो करता जाता है, करता जाता है, और करते 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 वो 70 to 80 क्वेश्चन टिक कर देता है। और उस 70 to 80 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन तो सही है क्योंकि आसान था, बाकी 25 के बाद 70 to 80 क्वेश्चन तो उसने 40-45 क्वेश्चन और कर दिए, उसमें 5-6 सही निकला, बाकी सब माइनस हो गया, और उनका नंबर पूरा का पूरा जो 25 नंबर का 100 नंबर सही था वो भी घट के कितना हो जाएगा, 45, 60, 40, 50 बस। आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा जीपैट का, उनका पेपर ऐसा ही होता है, 55, 60, 55 नंबर आता है जिन्होंने तैयारी नहीं की है, और क्या होता है, क्यों, क्योंकि 25 सही था। अब आप एक चीज़ समझिए कि अगर आप 25 क्वेश्चन सही किए हैं और नेक्स्ट 25 और, मैं कहता हूँ 40 तो एवरेज है, आप 25 और ले लो, आप वही टिक करिए जो आपको सही लगे, आप उसमें बिल्कुल भी चांसेस मत लीजिए, गलत मत कीजिए, बिल्कुल भी चांसेस मत लीजिए, रिस्क मत लीजिए। अब ये कैसे करेंगे कि रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क आप कब नहीं लेंगे, जब आपकी खुद की तैयारी ऐसी हो, आप, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नोट्स बनाइए रटिए, आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप जितने ज़्यादा MCQs, आप जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी हो जाएगी, आप ये पहचान पाएंगे कि कितना आसान है, कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा नहीं। क्लियर हो गया? अब कुछ आपको लग रहा है कि जीपैट कठिन है या आसान है, सिर्फ 40 क्वेश्चन बॉस, 25 तो सरल है, 15-20 क्वेश्चन के लिए कितना मेहनत करोगे, नेक्स्ट 15-20 क्वेश्चन के लिए कितना पढ़ाई करोगे यार, कितनी कोचिंग ज्वाइन करोगे, कितना पैसा बर्बाद करोगे घर वालों का, कुछ मत करो, आसान है, सिर्फ MCQ सॉल्व करो। पढ़ाई अगर आपको करनी है तो मैं तो कह रहा हूँ आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव बुक खरीदो, यूट्यूब पे जाओ, किसी भी ढेर सारे चैनल्स हैं, मेरे चैनल पे उतने कंटेंट नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मैं मेहनत कम कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अकेला सब्जेक्ट अगर मैं पढ़ा रहा होता, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता तो मैं शायद कोशिश करता, क्योंकि मैं बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि मैं कंटेंट दे पाऊँ। तो इसलिए कोई भी यूट्यूब चैनल ले लो, बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें से सिर्फ MCQ सॉल्व करो, MCQ सॉल्व करो, ठीक है? तो ये चीज़ समझ में आ गया कि कितना आसान करना है, हमें सिर्फ 50 क्वेश्चन हिट करना है, 25 सरल है, मुझे आता है, नेक्स्ट 25 के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस पढ़ाई करनी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि कैसे पढ़ाई करनी, ये तो हो गया स्ट्रेटजीज कि क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की कैसे पढ़ाई करनी। समझिए जीपैट का जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, जो 125 क्वेश्चन आते हैं, उस 125 क्वेश्चन में से आप मानिए कि 70 to 80%, आप 75% एवरेज ले लीजिए, 75% क्वेश्चन सेमेस्टर नंबर 4th से लेकर सेमेस्टर नंबर 7th तक, यानी जो करंट सिलेबस है हमारा उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेमेस्टर नंबर 4th से लेकर सेमेस्टर नंबर 7th तक, 4, 5, 6, 7, यानी केवल 4 सेमेस्टर, इन 4 सेमेस्टर से 75% क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट जो आपके बचे 25% क्वेश्चन, वो सेमेस्टर 1st, 2nd, 3rd से आते हैं, 8th से तो कुछ आता ही नहीं, सेमेस्टर 1st, 2nd, 3rd से आपके नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आते हैं। अब आपको क्या मतलब है 25 छोड़ दो, 1st, 2nd, 3rd सेमेस्टर आपने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छा है, बेस्ट है, उससे क्वेश्चन आपके आएंगे, ये जान, लेकिन अब क्या करना है, 4th सेमेस्टर से आपको तैयारी शुरू करनी। इसका वेट मत करिएगा कि मैं फाइनल ईयर में जाऊंगा, थर्ड ईयर में जाऊंगा, फिर पढ़ाई शुरू करूंगा, 4th सेमेस्टर से पढ़ाई स्टार्ट करिए। लॉकडाउन के कारण आपको टाइम भी बहुत मिल गया है, सिलेबस पूरा हो गया है, अब आप कैसे तैयारी करना है मैं आपको तैयारी का तरीका बता रहा हूँ। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, तो आप तैयारी 4th सेमेस्टर के सिलेबस से शुरू करिए, आगे पीछे मत भटकिए। तैयारी कैसे करनी इसको समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर 1 आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए कि आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं,
तो आज आपने फार्माकोलॉजी में फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 पढ़ा, जनरल फार्माकोलॉजी। उसको पढ़ लिया आपने, मेरे चैनल से पढ़ लिया, अपने बुक से पढ़ लिया, अपने कॉलेज के टीचर से पढ़ लिया, किसी से पढ़ लिया, सब अच्छा पढ़ाते हैं। आपने पढ़ लिया तो मुझे छोड़ के बाकी सब अच्छा पढ़ाते हैं। आपने पढ़ लिया, अब उसको पढ़ने के बाद आपने क्या किया कि अब आप क्या करिए, डालिए यूट्यूब पे MCQ ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी, या किसी आपके पास बुक है तो बुक में चैप्टर खोलो MCQ, और उस चैप्टर को जिसको आपने पढ़ा है उसके सारे MCQs को सॉल्व करो। जब आप उसके सारे MCQ को सॉल्व करेंगे 200, 250, 300, 400, तो आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके लिए नए होंगे, जिसको आपने सुना ही नहीं होगा, यार तो बड़ा नया लग रहा है। उस नए वाले पॉइंट को एक डायरी बनाओ, डायरी में लिखो जनरल फार्माकोलॉजी चैप्टर 1, और वहाँ पे सारे एंट्री करो, वहाँ पे सारा एंट्री को लिखते जाओ। ऐसे जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे, जितने भी टफ क्वेश्चन आएंगे, जितने भी नए क्वेश्चन आएंगे या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, उसके आंसर को सिर्फ उसके क्वेश्चन के साथ डायरी में लिखते जाओ। आप पाएंगे कि एक चैप्टर पढ़ने के बाद जब आपने MCQ सॉल्व किया तो उसके करीब 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे मिले जो रिपीटेड हैं, जो इंपॉर्टेंट है, आपकी डायरी बन गई। फिर आप चैप्टर नंबर 2 पढ़िए, या आप फिर जाइए फार्मास्यूटिक्स में चैप्टर नंबर 1 पढ़िए, है ना। आपका चैप्टर नंबर क्या है, कौन सा है, कोर्स डिस्पर्सन है आई थिंक, तो कोर्स डिस्पर्सन पढ़िए। तो उसको पूरा पढ़ने के बाद जब आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, आप डालिए MCQ सॉल्व करिए। कोई नोट्स नहीं खरीदना है, कोई भी तैयारी नहीं करनी, सिर्फ MCQ सॉल्व करना है, चाहे YouTube पे, चाहे बुक से, चाहे वेबसाइट से, किसी भी तरीके से ढेर सारे MCQ सॉल्व करिए। जब ढेर सारे MCQ सॉल्व करेंगे और फिर उसी में जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे डायरी बनाइए और डायरी में नोट करिए। आपको क्या होगा, जब आप थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, सेवन सेमेस्टर तक लगातार आप ये काम करते रहेंगे, हर चैप्टर को पढ़ने के बाद MCQ सॉल्व करिए, हर चैप्टर पढ़ने के बाद MCQ सॉल्व करिए, एक नियम बना लीजिए। आप जब ऐसा करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपकी जब GPAT एग्जाम से जस्ट पहले आपकी डायरी मेंटेन हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, अपनी डायरी को एक बार रिवाइज मारना है, क्योंकि आपने खुद से बनाया है तो आपको हमेशा याद रहेगा। डायरी को रिवाइज मारना है, बीच बीच में प्रैक्टिस देते रहना है, और आप GPAT पे जाइए, 100% आप रैंकर्स रहेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि केवल क्वालिफाइड रहेंगे, यू आर द रैंकर अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये इस पैटर्न को फॉलो करना है, ऐसे काम करना है। आपको बहुत आसान तरीका मैंने बता दिया कि 125 में से सिर्फ 40 से 50 क्वेश्चन आपको हिट करना है। और MCQ सॉल्व करने का फायदा ये होता है कि जो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को निगेटिव करके चले जाते हैं ना, क्योंकि आपने 70 क्वेश्चन किया, 40, 30 आपके सही थे, 40 आपने गलत कर दिया। तो MCQ सॉल्व करने का, आप जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उसको करने का फायदा ये होता है कि आप गलत क्वेश्चन करने से बच जाते हैं। जितना तो आप अच्छा क्वेश्चन करेंगे, आप भले आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, कम से कम गलत नहीं करेंगे। और मैंने आपसे बताया था कि 25 आपको तो आता ही है, तो किसी पेपर उठा के देख लो, 15 और करना है यार बॉस। अगर आप गलत नहीं करोगे तो कोई भी क्वेश्चन, तो 25-15 आप सेलेक्टेड हो 100%। तो कितना आसान है GPAT क्वालिफाई करना बॉस, लेकिन फिर भी लोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनको सही आइडिया नहीं है, उनको सही तरीका नहीं पता है, उनको कोचिंग्स वाले, उनको यूट्यूब्स वाले, उनको कॉलेज वाले इतना डराए रहते, बहुत कठिन है, किसी का नहीं होता है, कुछ नहीं कठिन है, आसान है। दुनिया में कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है, वो हमारे माइंड पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे समझते हैं, कैसे उसको देखते हैं। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है, ये मेरा तरीका है, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं थोड़ा सा समय अपने लाइफ से और कम कर सकूँ, आपके लिए थोड़ा सा और डिवोट कर सकूँ, तो मैं MCQs कलेक्शन करूँगा, और MCQs कलेक्शन करके मैं आपके लिए लाऊँगा। और आपके लिए मेरे पास कुछ स्कीम है आप सबके लिए। और मैंने GPAT जब क्वालिफाई किया था तो उस समय मैं क्या, मेरी रैंक थी और मैं कैसे किया था, उसके बारे में चर्चा करूँगा, तो आगे बात करते हैं इसमें। लेकिन अभी मेरे ख्याल से स्ट्रेटजी आप समझ गए होंगे, ठीक है। हम बात करते हैं आपसे दूसरे तरीके की, कि दूसरे तरीके से हम कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं तैयारी की। देखिए, एक तो स्ट्रेटजी ये है कि आप MCQ सॉल्व करिए। दूसरा एक स्ट्रेटजी है जो आपको आपके लक्ष्य से एक कदम आगे होने को कहता है। जब आप एक कदम आगे खड़े होते हैं तो आप जल्दी लक्ष्य अचीव करते हैं। जैसे पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाइए किसी को तो आप ज़्यादा याद करते हो, उसी तरह से आप MCQ सॉल्व करने से ज़्यादा बेटर है, अगर आप ज़्यादा अच्छी मेहनत करनी चाहते हैं तो MCQs बनाइए। आप जो चैप्टर पढ़िए उसके थ्योरी से, उसके बुक पोर्शन से MCQs खुद बनाइए कि ये क्वेश्चन है, इसके चार ऑप्शन है, ये है, वो है। और इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो जो आप समझिए कि बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आने वाला है, आप रैंकर में रहेंगे। और मैं एक आपको ऑफर देना चाहता हूँ, अगर आप इस तरह से MCQs बना के चैप्टर वाइज मुझे भेजेंगे पावर पॉइंट के फॉर्म में, PPT के फॉर्म में, तो आप बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं
जो मुझे इस तरह से MCQs भेजते हैं चैप्टर वाइज, जिसे मैं अपलोड करूंगा आपके सॉल्यूशन के लिए, आप उसे सॉल्व करेंगे और वो पैसे भी कमा रहे। तो कैसे करना है, क्या करना है, आप चाहते हैं इस तरह से ज्वाइन करना हमें पैसे कमाने के लिए, तो आप जो हमको यूट्यूब पे कमेंट करिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा वहाँ पे। कैसे करना है आपको तरीका बताऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड तैयारी की, आपको कैसे तैयारी करनी है। फिर किसी वीडियो में आपको बताऊंगा अपनी स्टोरी कि मैंने कैसे GPAT क्वालीफाई किया था, किस तरह से पढ़ाई की थी मैं, कैसे सिलेक्शन हुआ था, क्या रैंक थी, तो मैं सारी कुछ आपसे डिस्कस करूंगा। तो फिर वो कभी मैं सेपरेट बात करूंगा, मैं आपसे लाइव आके बात करूंगा, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी था। तो मेरे ख्याल से आप लग जाइए तैयारी, जुट जाइए, बहुत जल्दी मैं आपसे कुछ वीडियोज डालना शुरू कर दूंगा। अब आप GPAT तैयारी करना शुरू करिए। आपके मन में GPAT को लेकर कोई भी सवाल है, जो कंफ्यूजन है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें YouTube पे कमेंट करके इस वीडियो के नीचे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपके पास मेरा है ही है, कुछ भी दिक्कत हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।